मेरे हस्बैंड हैं मुकेश मिश्रा, और इनको सबग्लॉटिस स्टोनोसिस की दिक्कत थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी लगभग 2 साल से। मैं दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गई जहाँ पर डॉक्टर से मिली, जहाँ पे मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि अगर हम लोग इसका ऑपरेशन करेंगे तो इनकी स्पीच चली जाएगी, ये बोल नहीं पाएंगे। फिर मैं अपोलो में आई, मैं डॉक्टर नरुका से मिली, जब तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सबग्लॉटिस स्टोनोसिस है जिसमें ये जो पाइप होती है ये टिश्यूज बढ़ जाते हैं जिससे ये ब्लॉक हो जाती है, तो ब्रीथिंग ऊपर परफेक्ट आती नहीं है। तो वही इनके साथ में वही ब्रीथिंग का इशू था और ये बहुत ही डेंजरस था, लेकिन सर के इतना कॉन्फिडेंस था कि उससे हमें इतनी कॉन्फिडेंस मिला कि जो है सर ने बोला ये ठीक हो जाएगा। तो सर ने मैं लेज़र सर्जरी के बारे में बताया और फिर उन्होंने सर्जरी किया और स्टेंट डालने के बाद अब उन्होंने इसको रिमूव किया और तो काफ़ी अभी पेशेंट रिकवर कर रहे हैं और काफ़ी बेटर है। यहाँ का अपोलो का नर्सिंग स्टाफ मुझे बहुत हेल्पफुल रहे हैं। मैं हमेशा से ही 2 साल से लगातार SDU में ही आती रही हूँ और यहाँ के जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से देख रेख किया और बहुत बहुत पोलाइटली काम करते हैं। थैंक्स टू सर कि हमें इतना हेल्प किया उन्होंने, और हम जो नाउमीद हो गए थे, एक्चुअली हमें होप नहीं था, इतने डॉक्टर्स ने सब डॉक्टर्स ने लगभग दिल्ली के मना कर दिया था कि इनकी स्पीच चली जाएगी ऑपरेशन के बाद, लेकिन सर ने हमारी इतनी हेल्प किया कि अब मैं रियली रियली थैंकफुल हूँ सर के लिए।